किचन प्यार का तड़का ब्रिंगिंग फैमिलीज टुगेदर। हेलो एवरीवन, वेलकम टू कीमती किचन, जहां लगता है प्यार का तड़का। और कीमती व्यास, शी इज गोना शो अस टुडे ए वेरी गुड सब्जी, वेरी शॉर्टकट सब्जी, इट्स कॉल्ड पापड़ की सब्जी। टेक्निकली अगर आपके पास घर में सब्जी ना हो, पनीर ना हो और मैगी भी ना हो, तो ये सब्जी मैगी से जल्दी बन जाती है। सो दिस इज अगेन माय मम्मी शोड हर हाउ टू कुक इट एंड शी कुक्स फॉर अस एवरी वंस इन अ व्हाइल, स्पेशली व्हेन इट्स कोल्ड। लेकिन इसका टेक्निक वही है कि जल्दी बनेगी, गर्मा गर्म बनेगी। और मैं एक्चुअली अटेम्प्ट करने वाली हूँ, मम्मी जी जितनी अच्छी सब्जी नहीं बनती मेरे हाथ से, बट स्टिल आई एम गोना गिव इट अ ट्राई। वो तो पता है मेरे को। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। लेट्स गेट स्टार्टेड। अब इसमें मैंने घी को गर्म करने रखा है, आप चाहें तो इसमें तेल भी डाल सकते हैं, लेकिन घी की ज़्यादा अच्छी दिखती है। अब इसमें मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा हींग, ज़ीरा, चॉप्ड ग्रीन चिलीज, थोड़ी हल्दी और जाएंगे इसमें थोड़े से चॉप्ड टोमेटोस। अब मैं डाल रही हूँ थोड़ी लाल मिर्च, थोड़ा सा धनिया पाउडर और इन मसालों को हम थोड़ा सा सेकेंगे। मैं थोड़ा सा पानी डालूँगी क्योंकि हमारी लाल मिर्च जले ना, इससे थोड़ा ग्रेवी का कलर भी ख़राब नहीं होता है। पानी डाल दें तो लाल मिर्च का कलर अच्छा आता है। इस मसाले को सेक लेंगे। अब इसमें डालेंगे थोड़ा सॉल्ट और डालेंगे दही। दही डालने के बाद हम इसको थोड़ा फटाफट चलाएंगे ताकि हमारा दही फटे ना। आप इसको दो एक मिनट तक चलाएंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि दही भी कुक हो गया है। उसके बाद हम इसमें पापड़ डालेंगे। पापड़ मैंने सेक के रख लिए हैं। कई लोग फ्राई करके भी चूरा करके डालते हैं, मैंने रोस्ट करके रखे हैं पापड़। मैं थोड़ी सी कसूरी मेथी भी डाल रही हूँ। कसूरी मेथी और पापड़ का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लगता है और कसूरी मेथी जनरली हमारे घर पे अवेलेबल रहती है, तो इसके लिए हमें बाज़ार जाने की भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन इट्स ऑप्शनल, आपको अगर नहीं है अवेलेबल तो मत डालिए। इट्स अ वेरी वेरी बेसिक सब्जी, इट इज मेड व्हेन यू डोंट हैव एनी सब्जी एट होम। थोड़ा पानी ऐड कर रही हूँ मैं और पानी को एक बॉयल ले लेंगे हम इसमें डालने के बाद, एंड देन वी विल ऐड द पापड्स। ये पापड़ को मैंने सेक के मीडियम साइज के पीसेस में तोड़ा है, बहुत बारीक मत करिए ना, बहुत बड़ा रखिए। थोड़ा सा पानी भी ऐड कर रही हूँ मैं। हमारी सब्जी ऑलमोस्ट रेडी है। अब इसमें बस थोड़ा सा मैं डालूंगी गरम मसाला और चॉप्ड कोरिएंडर। इसको आप गरम गरम रोटियों के साथ खाइए या गरम गरम मोटी रोटियों के साथ चूर के खाइए। अच्छा सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगला वीडियो आपसे मिस ना हो। थैंक यू। One-stop answer to your Australian education and visa matters. GEMCO Sydney. Dream big, achieve big. Fiji Times. Be with the times.